हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 में जो आपका जनसंख्या वाला चैप्टर चल रहा है उसमें आज का जो टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि एवं उसके कारण। लेक्चर नंबर 28 में बच्चों आज हम जनसंख्या वृद्धि एवं उसके कारण का अध्ययन करेंगे। देखिए, जनशक्ति किसी भी राष्ट्र की पूर्ण सामर्थ्य तभी मानी जा सकती है जब उसे जीवन निर्वाह के समुचित साधन उपलब्ध हों। ठीक, जनसंख्या को एक परिवर्तनशील प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये सदा एक समान नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। और यह जो परिवर्तन होता है बच्चों, यह परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं, देखिए जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के परस्पर संयोजन के प्रभाव के कारण ही होता है। इन तीनों क्रियाओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आगे है जनसंख्या वृद्धि। किसी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी देश या किसी राज्य में जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है या विस्फोट कहलाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटा करके इसे प्राप्त किया जाता है। और इस तरह की ये जो क्रिया है इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, ठीक है, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो यह है जनसंख्या वृद्धि। आइए जानते हैं संक्षेप में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या क्या है। ठीक, आर्थिक संसाधनों का विकास। जैसे जैसे आर्थिक संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं तैसे तैसे ही लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, समुचित विकास हो रहा है, इससे भी जनसंख्या वृद्धि को एक बढ़ावा मिलता है। आर्थिक उद्यमों में उन्नति। ठीक, अच्छा आगे है शिक्षा का प्रचार प्रसार जिससे जीवन स्तर में भी सुधार आया है। शिक्षा का प्रचार प्रसार जो बढ़ा है उससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, आय बढ़ी है। आगे है जन्म दर का अधिक होना। अब जन्म दर क्यों बढ़ी है उसके कुछ मुख्य कारण है। जैसे गर्म जलवायु, हमारे मानसूनी प्रदेशों की जलवायु जो है गर्म है और इस गर्म जलवायु के कारण स्त्रियों में जो प्रजनन क्षमता है वो अधिक है। ठीक, इसके अलावा एक कारण है बाल विवाह की प्रथा। वैसे तो बाल विवाह पर काफ़ी अंकुश लगाया गया है लेकिन अब भी कहीं कहीं बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएँ समाज में देखने मिलती हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि अब भी जारी है। इसके अलावा है आत्मसंयम का अभाव, अशिक्षा और गरीबी। ये सारे ऐसे बिंदु हैं जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ठीक है बच्चों, आज आपने जनसंख्या एवं वृद्धि एवं उसके कारण के बारे में अध्ययन किया है। आगे कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।